प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान, उसकी उपयोगिता, अनेकांत आदि बहुत सारे पाठों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज का जो हमारा अध्याय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत आप व्रत और अणुव्रत के बारे में जान सकेंगे। आपने अपनी पुस्तक के अंदर देखा होगा कि 21:7 के अंतर्गत व्रत के बारे में बताया गया है कि व्रत क्या होते हैं, उसकी क्या अवधारणा है और अणुव्रत क्या है। चूंकि सबसे पहले जब हमने इस प्रथम पत्र की शुरुआत की थी, उस समय अणुव्रत के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अणुव्रत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्रत क्या है और अणुव्रत क्या है। यदि हमें अणुव्रत के ऊपर प्रकाश डालें तो सर्वप्रथम अणुव्रत आंदोलन को हमें जानना होगा और अणुव्रत आंदोलन को जानने के लिए हमें पुनः उस काल में लौटना होगा जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था। और आप सभी को पता है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी। अंग्रेज भारत छोड़ के गए, भारत का बंटवारा हुआ, भारत का एक हिस्सा अलग कट करके पाकिस्तान के रूप में उभरा। और उसी दौरान जो इस संपूर्ण भारतवर्ष की स्थिति थी वह बड़ी दयनीय थी। और उस दयनीय स्थिति में जो व्यवस्था थी, जो उस समय के जमींदार लोग थे, जो उस समय के राजनेता थे, यह हम यूं कहें कि उस समय की जो आम जनता थी, देश के आजाद होते ही सभी लोगों के अंदर एक स्वार्थ भरी भावना देखने को मिली और चारों ओर जो लड़ाई, झगड़े, दंगा, फसाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, रंगभेद, ये जो चारों ओर दिखाई दे रहा था, इस देश के लिए बड़ी ही विकट परिस्थिति थी। और इस विकट परिस्थिति के अंदर इस भारत के एक संत जिनका नाम था आचार्य तुलसी, जिन्होंने इस अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। आपको विदित ही होगा कि 2 मार्च 1949 को इस एक महान क्रांतिकारी आंदोलन की गुरुदेव तुलसी द्वारा नींव रखी गई, अणुव्रत आंदोलन। और इसका जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ वो अधिवेशन 1950 दिल्ली के अंदर हुआ। जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, आचार्य श्री तुलसी विराज रहे थे और उनके सामने बहुत सारी विद्वत जन, जनता, धर्म प्रेमी भाई भी उनके सामने बैठे हुए थे। और उस अधिवेशन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की बातें उभर करके आई। और जो वो दोनों प्रकार की बातें उभर करके आई, आचार्य श्री के सामने लोगों ने विनम्र निवेदन किया कि गुरुदेव, जिस अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ है, ये अणुव्रत आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि एक जैन संत अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात किया है। क्योंकि इसका नाम भी रखा गया अणुव्रत,
जिसके अंदर लोगों ने कहा कि एक सांप्रदायिकता वाली बात झलक रही है या सामने आ रही है। आचार्य श्री ने कहा कि नाम और भी बहुत सोचे गए, लेकिन अनुवर्त ही इसके लिए सटीक नाम रहा। और आचार्य श्री ने यह भी कहा कि नाम बड़ा और काम थोड़ा, उसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। नाम भले ही छोटा हो लेकिन काम बड़ा होना चाहिए। और जब इस अनुवर्त की नींव रखी गई उस समय यह बात स्पष्ट रूप से आचार्य श्री ने भी कह दी थी कि अनुवर्त आंदोलन किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। अनुवर्त आंदोलन जो शुरू किया गया है उसका जो ध्येय है वह है चरित्र निर्माण। क्योंकि आचार्य श्री ने स्वयं ने देश की आजादी के समय जो स्थितियां, जो हालात देखे थे, उन हालातों को देखते हुए उनके चेतन मन में यह सवाल पैदा हुआ था कि आज इस देश की यह स्थिति क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। और वो था इस देश के लोगों के अंदर चरित्र का पतन होना। उस चरित्र का किस प्रकार से उत्थान किया जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह था। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हमने किस प्रकार का नाम रखा है, यह नाम क्यों रखा है, क्योंकि अनुवर्त चरित्र निर्माण के लिए है। और उस अनुवर्त में न केवल जैन, जो अजैन थे, जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, वो उस अनुवर्त आंदोलन से जुड़े, जो अपने आप में ही इस आंदोलन की प्राथमिकता को, इस आंदोलन की इस प्राथमिकता को प्रूफ करता है। और इस प्रकार जब पहला अधिवेशन चला और उस अधिवेशन के अंदर बहुत सारी जो बातें उभर करके सामने आई, उनका आचार्य श्री ने निराकरण भी किया। यदि इस अनुवृत्त शब्द के ऊपर हम गौर करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अणु प्लस व्रत। हम सभी व्रत के बारे में सुनते रहते हैं कि व्रत, आज हमने एकादशी का व्रत किया है, आज हमने सोमवार का व्रत किया है। हमारी एक व्यवहारिक भाषा में, घर परिवार में भी इसका हम उपयोग करते रहे हैं। यदि थोड़ी गहराई में इसको हम समझें कि वास्तव में व्रत है क्या, इसका अर्थ क्या है व्रत का। व्रत अर्थात मानसिक रूप से इस प्रकार का निर्णय लेना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह व्रत है। दूसरी भाषा में इसको हम संकल्प भी कह सकते हैं। फिर भी संकल्प और व्रत में अंतर होता है। व्रत हमेशा शुभ होता है, लेकिन संकल्प जो होता है वह अच्छे के लिए भी हो सकता है और वह बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन व्रत हमेशा व्यक्ति को शुभता की ओर ले जाता है। व्रत जहां व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण करता है, वहीं जो लोग व्रत को धारण करते हैं उनका संकल्प अपने आप मजबूत होता जाता है। व्रत एक तरह से तप के समान है। जो लोग व्रत को धारण करते हैं उनका जो जीवन होता है वह जीवन संयमी जीवन होता है। उनका
आचार विचार और जो व्यवहार होता है वह भी संयम से परिपूर्ण होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में व्रत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और यहां तक कहा गया है कि जहां व्रत न लेना पाप है वहीं व्रत लेकर के और उसको भंग कर देना या व्रत को न निभाना वह उससे भी बड़ा पाप है। हम सभी एक दोहे को सुनते आए हुए हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात इंसान के प्राण जा सकते हैं लेकिन उसके सामने चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए व्रत कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। और राजा दशरथ का रामायण के अंदर यह उदाहरण है। उनके प्राण चले गए, वो अपने पुत्र के मोह में इतने ज्यादा झगड़े हुए थे कि उनको स्वयं को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनको अपने दिए हुए वचन या व्रत की याद आई तो उन्होंने उस वचन को निभाना जरूरी समझा। और भी इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। भीष्म पितामह जिन्होंने भी अपने पिता के लिए आजीवन शादी न करने का व्रत धारण किया था कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उन्होंने उस व्रत को निभाया। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने व्रत धारण किया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए मैं हमेशा सत्य का अनुसरण करूंगा और उन्होंने ऐसा किया भी। इसका अर्थ हुआ कि आज के संदर्भ में यदि हम कानून की बात करें जो कानून बनाए जाते हैं कि हमें इस कानून का क्या करना है, पालन करना है, आज इंसान कानून का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि कानून ऊपर से थोपा जाता है, व्रत कभी थोपा नहीं जाता है। व्रत व्यक्ति के अंतर मन से उठने वाली आवाज है, उसकी आंतरिक शक्ति, उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास है जो उसको लिए गए व्रत के ऊपर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज के संदर्भ में देखा जाए कानून बनते हैं, उससे पहले टूट भी जाते हैं, लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए यदि व्रत की उपयोगिता के ऊपर हम गौर करें तो आज व्रत की उपयोगिता हमें और ज्यादा प्रतीत होती है क्योंकि आज लोगों का जो नैतिक चरित्र है, जो आत्मबल है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें कमी आई है और उस कमी को पूरा करते हैं ये हमारे छोटे छोटे व्रत। अणु का अर्थ क्या होता है? अणु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि हमें छोटे छोटे नियमों को धारण करना है और उनका पालन करते हुए अपने जीवन को चलाना है। हम आंदोलन जो अणुअर्थ आंदोलन है उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के ऊपर यदि गौर करें तो कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं यानी कि व्यक्ति, और व्यक्ति जहां पर रहता है वो है समाज। व्यक्ति और समाज की यदि हम बात करें ये दोनों क्या है,
ये दोनों परस्परावलंबन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। बिना व्यक्ति के समाज नहीं बनता है और बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, वह फिर पशु के समान है। इसलिए पशुओं का समूह होता है, उनका समाज नहीं होता है, समाज होता है व्यक्ति का, मनुष्य का। और व्यक्ति मिलकर के जिस समाज को बनाते हैं, जिस समाज को चलाते हैं, वहां पर मूल्यों का चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। यदि हम ये कहें कि बिना मनुष्य के समाज, तो यह एक कल्पना है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक समाज, हम और कह रहे हैं कि समाज में 100 लोग रहते हैं, लेकिन यदि वह एक सूत्र में बंधे हुए नहीं है तो भी वह समाज नहीं है, फिर वहां पर हिंसा पैदा होगी, यहां पर अनैतिकता पैदा होगी, वहां पर लड़ाई और झगड़ा पैदा होगा। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, व्यक्ति जब सुधरता है तब समाज के अंदर परिवर्तन अपने आप आने लग जाते हैं, और जब समाज के अंदर परिवर्तन आता है तब निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ियां भी होती हैं उनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है, और ऐसा समाज हमेशा सुदृढ़ और लंबे समय तक चलने वाला समाज होता है। स्वार्थ संयम और अध्यात्म की यदि हम बात करें, हम समाज में रहते हैं और हम सभी जानते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम होते हैं जिनकी भी हम पालना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वार्थ का जो सबसे बड़ा कारण है वो है परिग्रह। एक समाज के अंदर स्वार्थ का सबसे बड़ा कारण परिग्रह है, और परिग्रह से शोषण पैदा होता है, और शोषण से हिंसा होती है, और हिंसा से समाज में विघटन पैदा होता है। हमारे देश की आजादी के समय यही स्थिति थी, और इसी को दूर करने का प्रयास किया है आचार्य श्री तुलसी ने। इसलिए स्वार्थ के ऊपर संयम का होना बहुत जरूरी है, अपरिग्रह की भावना का होना बहुत ही जरूरी है। और जब व्यक्ति के अंदर अध्यात्म के बीज जागृत होते हैं, अंकुरित होते हैं, क्योंकि समाज की दृष्टि से या समाज के लेवल से उस अध्यात्म की हम बात करें, तो अध्यात्म का यहां पर अर्थ है हमारी आंतरिक चेतना का जागरण, और आंतरिक चेतना का जागरण ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। और जब व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण होता है तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ स्वयं अपने आप ही उसके अंदर आने लगता है, क्योंकि एक हद तक तो हमारा जो स्वार्थ है उसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर को खाने के लिए रोटी चाहिए, हमारी वाणी है, समाज में रहते हैं इसलिए हमें उसको बोलने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस स्वार्थ के साथ में जब इस स्वार्थ की एक सीमा हो जाती है जितनी हमें आवश्यकता है, और उसके बाद में उस समाज के लिए हम जो कुछ करते हैं जिसको हम बोलते हैं परार्थ, वो समाज के लिए है। समाज परिवर्तन की अक्षमता, यहां पर समाज परिवर्तन की अक्षमता जो ये वाक्य बोला गया है वो इसलिए कहा गया है कि अधिकतर लोगों ने एक बात कही है
कि आज हिंदुस्तान जो अध्यात्म की बात कर रहा है कि हजारों सालों से जो अध्यात्म चला आ रहा है उसने समाज में कितना परिवर्तन किया है, हमें तो कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जबकि हम पाश्चात्य दर्शनों को यदि हम देखें जो समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अध्यात्मवाद जो बहुत पीछे छूट गया है, उनके समाजवाद ने कुछ ही सालों में समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया है। जबकि जिस अध्यात्म और नैतिकता की हम बात करते हैं, नैतिकता कहां है, कहां नैतिकता हमें दिखाई दे रही है? आचार्य श्री ने कहा यह बात नहीं है, कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, अध्यात्म अपनी जगह है और इतिहास गवाह है कि जहां पर अध्यात्म की जड़ें, अध्यात्म रूपी बीज जहां पर जीवित है, वह संस्कृति आज भी जीवित है। संस्कृतियों में, समाज में उत्थान पतन आता रहा है और हम देख रहे हैं कि जिन समाजों ने समाजवाद को लेकर के और जिस अध्यात्मवाद को पीछे छोड़ दिया है, उनका निर्माण भी हुआ है और उतने ही तेज गति के साथ में उनका विनाश भी हुआ है। इसलिए दोनों, अनेकान दृष्टि से देखें तो दोनों धाराएं चलनी चाहिए। हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के साथ में आध्यात्मिकता भी साथ में चलनी चाहिए, चरित्र निर्माण भी हमारा होना चाहिए। इसी के लिए, उसी चरित्र निर्माण के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ती है। यदि आध्यात्मिकता नहीं होगी, चरित्र निर्माण नहीं होगा, तो फिर चाहे हम वर्त की बात करें, चाहे हम कानून की बात करें, वो सारे के सारे फेल ही होंगे। आज हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञ आगे बढ़ रहे हैं, अनेक अनेक नए अनुसंधान कर रहे हैं, फिर भी जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात आती है, जहां नैतिकता की बात आती है, वहां पर वही जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, गलत कार्य करते हैं। इसलिए आवश्यकता उसे आध्यात्मिकता की है। आध्यात्मिकता के यदि व्यवहारिक रूप को हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, आध्यात्मिकता हमारे अंतर जगत की यात्रा है। हमारे अंदर वह चैतन्य जिसको हम कहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति भरी हुई है, उन शक्तियों को, उन संकल्पों को, उन क्षमताओं को जगाने की आवश्यकता है। और जब तक वह जागृत नहीं होगी, तब तक हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्या है, घृणा है, असहिष्णुता है, परिग्रह है, वह हमारे अंदर उसके जो बीज है वो हमेशा अंकुरित होते रहेंगे। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वो हमें परेशान करते रहेंगे। लेकिन अध्यात्म की राह, अध्यात्म हमें उन सभी से बचाता है। यदि हम संयम की बात करें कि संयम है क्या, संयम यानी कि आज के व्यक्ति के ऊपर हम गौर करें तो हर व्यक्ति स्वार्थ और परिग्रह के अंदर इतना ज्यादा वह अंदर तक घुस गया है, या इतने ज्यादा उसके अंदर रम गया है कि उसको यह भी होश नहीं है कि मुझे अपने जीवन को जीने के लिए किन किन पदार्थों की और क्या क्या मुझे आवश्यकताएं हैं। और
व्यक्ति इस शरीर को चलाने के लिए, इस समाज के अंदर रहने के लिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को जो ये इंसान और जो ये शरीर दिया है, उस शरीर को चलाने के लिए उसको रोटी कपड़ा भी चाहिए और साथ में भगवान ने एक मन भी दिया है जो मान सम्मान चाहता है। यदि इन सबको मिलाकर के देखें तो इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनगिनत हो जाती है, और वो जो अनगिनत इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के कारण ही वह स्वयं को समझ ही नहीं पाता है। स्वयं का अर्थ है अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को सीमित करें, उन आवश्यकताओं को सीमित करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम उन वस्तुओं का उपयोग करें। इसलिए स्वयं का होना बहुत जरूरी है। यदि अणुवृत्त आंदोलन के वर्तमान स्वरूप को हम देखें, जैसा कि आपको बताया, अणु प्लस व्रत, यानी अणु का अर्थ होता है छोटा और व्रत हो गया संकल्प। अणुवर्त का अर्थ हुआ छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में अपनाना, उन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस अणुवर्त आंदोलन के प्रकृति को देखें, यदि इसके स्वरूप के ऊपर हम प्रकाश डालें, तो अणुवर्त आंदोलन की प्रकृति शुरू से ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण से रही है। किसी धर्म और संप्रदाय को लेकर के अणुवर्त आंदोलन नहीं चलाया गया है। अणुवर्त आंदोलन सभी लोगों के लिए है। अणुवर्त के यदि निर्देशक तत्वों को हम देखें, तो अणुवर्त के जो निर्देशक तत्व है उन तत्वों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अप्रिग्रह, जिनको हम पांच महाव्रतों के रूप में भी लेते हैं, अणुव्रत की आचार संहिता, अणुव्रत की आचार संहिता में आचार्य सिनेरी ने अणुव्रत के कुछ नियम बताए हैं कि यदि इन छोटे छोटे नियमों को एक इंसान अपने जीवन में उतारता है तो वह अपना एक अच्छा और व्यवस्थित जीवन वह जी सकता है, और उन नियमों के अंदर देखा जाए तो जैसा कि सबसे पहले नियम के ऊपर यदि हम गौर करें कि भाई मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा या वध नहीं करूंगा, वो छोटा सा नियम है। यदि इस प्रकार के नियम को ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति हर प्रकार की हिंसा से बच सकता है। इस आचार संहिता के अंतर्गत ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्गों को लिया, जैसे शिक्षक अणुवर्त है, कर्मचारियों के लिए है तो उनके लिए अणुवर्त के नियम बनाए गए हैं, यदि व्यापारी वर्ग है तो उनके लिए छोटे छोटे अणुवर्तों के नियमों को बनाया गया है। यदि इन सभी व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, यदि इन छोटे छोटे नियमों को वह अंगीकार करता है तो निश्चित रूप से वह एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकता है। और इस स्वस्थ समाज संरचना के अंतर्गत उन्हें वो जो 11 नियम जो अणुव्रत के मुख्य संकल्प या नियम कहलाते हैं उनको अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। अणुव्रत आंदोलन के यदि भावी अभियान की हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वह आज और ज्यादा विस्तार लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। केवल व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी या राष्ट्र ही नहीं, आज अणुव्रत का जो लक्ष्य है वो विश्व समुदाय को लेकर के है, विश्व शांति को लेकर के है, क्योंकि
जब अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, तब न केवल हिंदुस्तान के अंदर, उस समय अमेरिका के जो अखबार है, वहां की जो टाइम मैगजीन है, वहां पर भी इस आंदोलन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ अहिंसा समुदाय की बात करते हैं और अहिंसा समुदाय के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हमें यह देखना है कि जो हिंसा है, हिंसा की जड़ कहां पर है। जब तक उस हिंसा की जड़ को हम नहीं पहचानेंगे और जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज के अंदर अहिंसा समुदाय की हम बात नहीं कर पाएंगे। या हम यूं कहें कि एक हिंसा से मुक्त जो समाज है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा और अभी सुना कि किस प्रकार से जो अणुवर्त आंदोलन है, वह अणुवर्त आंदोलन भारत की आजादी से लेकर के और आज अपने वर्तमान तक धीरे धीरे विस्तार करता गया है। आज यदि हम देखें तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने अणुवर्त के नियमों को अपनाया है और उन्होंने उन नियमों को अपना करके सत्य है, अहिंसा है, व्यसन से मुक्ति है, अपने जीवन में उन्होंने उनका लाभ उठाया है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।